हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के विषय में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हमने आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के विषय में काफ़ी रचनाएं उनकी जो महत्वपूर्ण है पढ़ ली थी। अब आज एक दो रचनाएं रह गई थी, उनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो इंदु, ये योगिंद्र भी नाम है इनका। रचना है इनकी परमात्म प्रकाश योग सार, इनकी दो रचनाएं हैं जो इंदु की। इनकी स्थिति काल या इनका स्थिति काल छठी शताब्दी माना जाता है। मतलब इनका स्थिति काल कब माना जाता है? छठी शताब्दी माना जाता है। ठीक है, किनका? जो इंदु या योगिंदु, योगिंद्र का। तो इनकी दो ही रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योग सार। ठीक, इनके बारे में यही तथ्य हैं केवल। ये है राम सिंह, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा, आप सभी परिचित हैं इस नाम से, पाहुड़ दोहा रचना नाम से। ठीक है, ये इसके रचनाकार हैं कौन? राम सिंह है। इनका स्थिति काल 11वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सी? 11वीं शताब्दी माना जाता है इनका स्थिति काल। ठीक, इस रचना में इंद्रिय सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। मतलब जो राम सिंह जी की पाहुड़ दोहा रचना है, तो इसमें क्या कहा गया है? इंद्रिय सुख होता है ना एक तरीके का जो, एवं अन्य सांसारिक सुखों की क्या की गई है? निंदा की गई है। ठीक है, त्याग, आत्मज्ञान मतलब त्याग करना, खुद को ज्ञान होना। ठीक है, और आत्म अनुभूति को महत्व दिया गया है। किसमें? पाहुड़ दोहा रचना में, जिसके रचनाकार हैं राम सिंह। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि इसको हम इसके तथ्य को याद रखें। किसके? पाहुड़ दोहा का जो तथ्य है रचनाकार के साथ, इसके तथ्य को याद रखना बहुत जरूरी है। हेमचंद्र, इनकी रचना है शब्दानुशासन, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनका स्थिति काल 12वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। मतलब कि 12वीं शताब्दी में थे, तो ये समय इनके लिए निर्धारित किया गया है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह, विक्रम संवत 1150 से 1199, और उनके भतीजे, मतलब सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के भतीजे कुमारपाल, जय सिंह के भतीजे कुमारपाल विक्रम संवत 1199 से 1230 ईस्वी के आश्रय में ही रहते थे सभी। पहले जो कभी होते थे राजाओं के आश्रय में रहते थे। तो ये गुजरात के राजा सोलंकी, ठीक है, सिद्धराज जय सिंह के भतीजे के, मतलब देखो जय सिंह के विक्रम संवत में 1150-1199 तक रहे। ठीक है, सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के आश्रय में 1150-1199 ईस्वी में रहे। ठीक है, मतलब विक्रम संवत, सॉरी, ये गुजरात के, मतलब कौन? हेमचंद्र थे जो, ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के आश्रय में कब रहे? विक्रम संवत 1150-1199। और उनके भतीजे कुमारपाल विक्रम संवत, मतलब जो सिद्धराज के भतीजे थे कुमारपाल के आश्रय में कब रहे? 1199 से 1230 ईस्वी में रहे। ठीक है, पहले तो सिद्धराज योगीराज, सिद्धराज जय सिंह के आश्रय में रहे 1150-1199, फिर 1199 से 1230 ईस्वी सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के भतीजे के आश्रय में रहे। कौन? हेमचंद्र, जिनकी रचना है शब्दानुशासन। इनकी रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। मतलब जो शब्दानुशासन है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का समावेश किया गया है। तीन भाषाओं का समावेश है, ये व्याकरण ग्रंथ है। और ठीक है, अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं। मतलब अपभ्रंश के उदाहरणों में क्या किया है इन्होंने? दोहे और पद्य अर्थात कविता की तरह इसमें रचनाएं की हैं। ठीक, आज हमारा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में केवल आदिकाल की हमारी कुछ रचनाएं रह गई हैं, उसके साथ हमारा आदिकाल का इतिहास पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे भक्तिकाल का इतिहास।